यार एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस है वो मैंगलोर से बैंगलोर जा रही है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है वो सारा कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके पीछे की जो सच्चाई यहाँ पर ये है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी 40 दिन का ही है, और ये 40 दिन का बच्चा जो हार्ट सर्जरी के लिए यहाँ पर मैंगलोर के हॉस्पिटल में शिफ्ट है, और उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज है। तो उस हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी केस होने की वजह से डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि इसको बैंगलोर शिफ्ट करा जाए, और बैंगलोर में जो हॉस्पिटल है उसका नाम यहाँ पर जयादेवी हॉस्पिटल है, उसी में यहाँ पर बच्चे को शिफ्ट करा जाए, और वो भी जल्दी से जल्दी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको 350 किलोमीटर के आसपास मिलेंगे, और यहाँ पर ये अगर आप कार से जाते हैं तो 7 से 8 घंटे में यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। लेकिन अगर उतना टाइम लेता है तो यहाँ पर बच्चा यहाँ पर बच नहीं पाता शायद। तो उस दूरी को कवर करने के लिए यहाँ पर एक बंदा आया जिसका नाम है हनी बलंजा, जो कि कर्नाटक का ही रहने वाला है। उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी उसे पहुँचा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर 0 ट्रैफिक होना चाहिए, यानी कि कोई भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अगर ट्रैफिक होगा तो वहाँ पर वो लेट पहुँचेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करा गया है कि कर्नाटक की पुलिस को ये इन्फॉर्म करा गया कि उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो सबको यहाँ पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो सबको यहाँ पर ख़त्म करे, जिससे क्या हुआ कि एम्बुलेंस है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर बैंगलोर पहुँच सके। तो बैंगलोर जितनी जल्दी पहुंच सके उतना ही जल्दी यहाँ पर उस बच्चे की जान बच सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये करा गया, और ये न्यूज़ बहुत से लोगों को पता लग गया, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रोड के साइड यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं, जो कि लोग यहाँ पर ये दुआ कर रहे हैं कि उस बच्चे की जल्दी से जल्दी हार्ट सर्जरी कंप्लीट हो सक्सेसफुली। तो इसके लिए यहाँ पर ये बहुत से लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये सब हो पाया हनीफ भाई की वजह से, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर है और बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से यहाँ पे बेंगलोर में जो हॉस्पिटल है उसमें यहाँ पर बच्चे का एडमिट बहुत ही आसानी से हो गया। और जब एम्बुलेंस बेंगलोर में पहुंची तो हनीफ भाई का बहुत ही अच्छे से स्वागत करा गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर रखा और उनका देख रहे किस तरह से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और मेरी तरफ से सैल्यूट है हनीफ भाई का, जिन्होंने डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी कवर किया जिससे उस बच्चे की यहाँ पर जान बच गई। तो यहाँ पर हनीफ भाई ने एक मिसाल कायम कर दिया, 7 से 8 घंटे के रास्ते को यहाँ पर 4 घंटे 20 मिनट में ही कवर कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, टिकटॉक या फिर यूट्यूब या फेसबुक, हर जगह यहाँ पर ये वायरल हो रही है। तो इस स्टोरी के पीछे यही सच्चाई है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस।